अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी अनियन। मेरा नाम है आयशा असलम। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही चटपटी सी रेसिपी जिसका नाम है समोसा चना चाट। इसमें हम बहुत सारी चटनियां भी बनाएंगे और समोसों के साथ इसे सर्व करेंगे। तो पहले हम चने बनाएंगे, तो चने बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, तो इसके लिए हमने 200 ग्राम चने लिए थे। इसको मैंने रात को भिगो दिया था, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, बाकी पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था। क्वार्टर कप हमें ऑयल चाहिए। एक छोटी साइज की टमाटर ली थी, इसको चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट है। एक छोटी प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया है और एक सब्ज मिर्च थी, उसे हमें चॉप कर लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। तो एक पैन में हमने ऑयल डाला है, ऑयल जो है वो हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे मीडियम फ्लेम पे। सारे प्याज ऐड कर देंगे इसमें, ऐसे मिक्स करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज जो है वो हमारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट। मिक्स करेंगे टमाटर को, हम ज़रा सॉफ्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप इसके अंदर टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर जो है वो हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून दे रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी और तुड़के को जो है वह हम भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से। इसको मसल देंगे टमाटरों को। तो हम इसके अंदर डालेंगे चने। इसमें जो पानी था वो भी हम साथ डाल देंगे। सारे डाल देंगे चने इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी कटी सब्ज मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसके अंदर हम पहले डालेंगे 2 ग्लास पानी के। अब हम 1 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो 1 घंटा हो चुका है, चने जो है वो हमारे गल चुके हैं। 80% तक जो हमारे चने वो गल गए हैं। देखें बाजार जैसा गाढ़ा गाढ़ा इसमें टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम भूनेंगे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ताकि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो सारे जो स्पाइसेस हैं वो देखें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे दम वाली आग पे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट। तब तक हम अपनी चटनियाँ बना लेते हैं। तो चटनियाँ बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो एक जार लिए, इसके अंदर हम इमली का पल्प डालेंगे। ये हमने इमली को भिगो कर रखा था, ये इसका पल्प है, आपको नज़र आ रहा होगा अगर। तो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डालिए। इससे बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा चटनी में।
ये हम इमली की चटनी बना रहे हैं, इसके अंदर अब हम डालेंगे हाफ टमाटर कटा हुआ और इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, सारी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया कटा हुआ। और अब इसके अंदर हम जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका खजूरें, इससे बहुत अच्छी जो इमली की चटनी है वो बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी सा टेक्स्चर आएगा उसका। अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इमली की चटनी हमारी तैयार है, इसको हम एक निकाल लेते हैं, ऐसे इसका टेक्सचर होना चाहिए, देखें ऐसा। तो हम दही की चटनी तैयार करते हैं, उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। तो हम दही की चटनी बनाएंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ब्लेंडर में दही। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू, आलू से जो है वो बहुत ही थिक टेक्स्चर आएगा चटनी का, ये बॉयल आलू था। और 1 टेबल स्पून इसमें डाले कुटा हुआ धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसमें 2 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे। अब इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे अपनी चटनी, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए हमारी चटनी का। तो चटनी हमारी तैयार है, तो सारी चटनियाँ हमारी तैयार हैं। आपके सामने मैंने इमली की और दही की चटनी बनाई है, ये आलू बुखारे की चटनी है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और ये सिंपल मैंने दही लिया था और उस पर इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया, 2 टेबल स्पून उसे ब्लेंड कर लिया, तो ये सिंपल चटनी है दही की। तो अब हम अपने चनों को देखते हैं कि वो गल चुके हैं, तो हम कवर उतारते हैं। चने जो है हमारे तैयार हैं, देखें बिल्कुल बाजार जैसे जो हमें चने मिलते हैं, बिल्कुल वैसा टेक्स्चर आ रहा है। अब हम 3 समोसे लेंगे, उसके ऊपर चने डालेंगे। तो 3 अदद मैंने समोसे लिए थे, उनको मैंने ऐसे तोड़ लिए। अब हम इसके ऊपर चने डालेंगे जो हमने बनाए थे। आप जितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं चनों की आप रख सकते हैं। तो मज़ेदार से चने जो हैं वो हमने समोसे पर डाल दिए। अब हम इसके ऊपर चटनी डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे इमली की चटनी जो हमने बनाई थी, ऐसे जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है आप उतनी रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही की चटनी, अब हम जो सिंपल दही जो हमने बनाया था उसकी चटनी वो डाल देंगे, जितनी आप डालना चाहते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू बुखारे की चटनी, बहुत ही मज़े का ये बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, लच्छेदार प्याज डालेंगे, थोड़े से और डाल देंगे, कटे हुए टमाटर डालेंगे, ये हर शहर में डिफरेंट स्टाइल से बनती है। आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सारे हमने टमाटर डाल दिए इसमें। अब हम इसके ऊपर लीमो जो है वो निचोड़ेंगे, बहुत ही खट्टी मीठी सी जो है वो चाट जो है वो तैयार हो गई है, समोसा चना चाट। सारा लीमो निचोड़ दिया और ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे चाट मसाला, सारा डाल देंगे। अब फिर इसके ऊपर दही की चटनी डालेंगे, सिंपल दही जो हमने बनाया था। तो मज़ेदार सी समोसा चना चाट हमारी तैयार है, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।